हेलो गाइस, वेलकम टू मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट डॉनी जूनियर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। वीडियो को पूरे देखिएगा क्योंकि अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। बट सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आज बात करने वाला हूं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की सैलरी, मूवी कॉन्ट्रैक्ट और बोनस के बारे में, यानी कि वो बोनस जो कि मूवी रिलीज होने के बाद उन्हें मिलता है, और देन जो आंकड़े सामने आए हैं। तो मार्वल फैंस और जो रॉबर्ट डॉनी जूनियर के फैंस हैं वो काफी ज्यादा हिलने वाले हैं, उनके पैर से जमीन खिसकने वाली है, और देन वो क्या क्या सोचने लग जाएंगे, इतने पैसे का हम क्या करें। तो सबसे पहले जो आंकड़े आए हैं वो काफी ज्यादा कमाल गए हैं। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो कि नॉर्मल कॉमन होती है हर जगह, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो। बॉलीवुड में कोई एक्टर काफी ज्यादा कमाता है तो वो अपनी अर्निंग को कभी रिवील नहीं करता, क्योंकि इनकम टैक्स छापा मार देता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। देन बॉलीवुड में सिर्फ एक ही एक्टर हैं रजनीकांत, जो कि अपनी सैलरी को रिवील करते हैं और देन वो टैक्स पे नहीं करते हैं। अब इसका रीजन ये है क्योंकि वो आधे से ज्यादा चैरिटी में दे देते हैं और देन काफी ज्यादा सोशल वर्क करते हैं, तो उनके पास एज इट सारे प्रूफ है, इसलिए वो टैक्स पे नहीं करते हैं। देन बात रही हॉलीवुड की, हॉलीवुड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड एक्टर हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर। उनकी जो सैलरी है वो काफी ज्यादा कमाल की है, और इतनी सैलरी में तो बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी लेवल की मूवी भी बन सकती है, जो कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर को सिर्फ काम करने पे मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की पहली मूवी आयरन मैन। रॉबर्ट डॉनी जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आयरन मैन 1 में उन्हें 5 मिलियन सैलरी मिली थी, यानी कि करीब $50 लाख। अब आप इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेना, मैं इंडियन रुपीज के आंकड़े नहीं बताऊंगा। देन उन्हें बोनस में मिले जब मूवी रिलीज हो गई 2 मिलियन, और दोनों को काउंट करने के बाद इनके पास टोटल आ जाता है बोनस प्लस सैलरी 7 मिलियन। देन सेकंड नंबर पे जो मूवी आती है वो है आयरन मैन 2, तो ये भी ब्लॉकबस्टर रही थी, और यहाँ पर रॉबर्ट डॉनी जूनियर की सैलरी इंक्रीज हो जाती है, उन्हें 10 मिलियन मिलते हैं इस मूवी के लिए, और जब मूवी रिलीज हो जाती है तो बोनस में मिलते हैं इन्हें 3 मिलियन। ओवरऑल काउंट करके सैलरी प्लस बोनस 13 मिलियन। देन थर्ड नंबर पर जो मूवी आती है दी एवेंजर्स, ये एक ऐसी मूवी थी जो कि मार्वल फैंस के दिल में और जगह बना दी थी सारे एवेंजर्स को मिला के। तो यहाँ पर रॉबर्ट डॉनी जूनियर की सैलरी वही रहती है सेम 10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और देन बोनस में उन्हें मिलते हैं 29 मिलियन यानी कि 29 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी बात है, और ओवरऑल बोनस और सैलरी को काउंट करके मिलते हैं 39 मिलियन यानी कि 39 मिलियन। देन उसी के साथ फोर्थ नंबर पर जो मूवी आती है वो है आयरन मैन 3। यहाँ पर रॉबर्ट डॉनी जूनियर को 10 मिलियन मिलते हैं, बोनस में 22 मिलियन मिलते हैं, और बोनस और सैलरी को काउंट करके 32 मिलियन, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन उसी के साथ यहाँ पर फिर अगली मूवी जो आ जाती है 5 नंबर पर एवेंजर एज ऑफ द अल्ट्रॉन, तो यहाँ पर रॉबर्ट डॉनी जूनियर को मिलते हैं 10 मिलियन उनकी सैलरी, और बोनस में मिलते हैं उन्हें 25 मिलियन जो कि पिछले बोनस से थोड़ा इंक्रीज हुआ। देन ओवरऑल बोनस और सैलरी को मिलाने के बाद 35 मिलियन उन्हें इस मूवी के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद 6 नंबर पे जो मूवी आती है सिविल वॉर कैप्टन अमेरिका, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में मूवी नहीं थी, फिर बाद में इंक्रीज कर दिया गया, तो सिविल वॉर में इन्हें मिलते हैं 40 मिलियन सैलरी, जो कि बहुत बड़ी बात है, और देन ये एकदम जंप कर गए सैलरी में काफी ज्यादा, और बोनस में पर इन्हें कम मिलते हैं, बोनस में इन्हें मिलते हैं 18.75 मिलियन। आप समझ रहे होंगे कि बोनस इतना कम कैसे हो गया, क्योंकि उन्हें सैलरी ज्यादा दी थी पर उनका जो क्रेडिट रेशियो था वो उनका कम कर दिया गया था इस मूवी में, और देन ओवरऑल काउंट करके उन्हें 58.75 मिलियन मिलते हैं, यानी कि करीब 58.75 लाख डॉलर, समझ रहे हो ना। देन उसके बाद अगली मूवी आ जाती है 7 नंबर पर स्पाइडरमैन होमकमिंग में इनका एक कैमियो था, जो कि इनकी सिर्फ 4 दिन की शूटिंग थी, और 4 दिन के लिए इन्हें मिले थे करीब 15 मिलियन, एक मिनट में कह सकते हो 1.3 मिलियन इन्हें मिलते थे काम करने के, सोचो कितना ज़्यादा मतलब क्रेजी पंता। और देन ओवरऑल इन्हें बोनस में कुछ नहीं मिला क्योंकि कोई परसेंटेज नहीं था, और इन्हें अगर काउंट करके जाए तो 15 मिलियन इनका सिर्फ सैलरी था इस मूवी में। फिर उसके बाद आ जाती है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी इन्फिनिटी वॉर एवेंजर्स, इसमें इनको ओवरऑल 20 मिलियन सैलरी मिली और बोनस में 55 मिले, और ओवरऑल काउंट कर लिया जाए तो 75 मिलियन यानी कि 75 मिलियन, और यही सेम रेशियो था एवेंजर एंड गेम का, 20 मिलियन सैलरी बोनस में 55 मिलियन और ओवरऑल काउंट करके जाए तो 75 मिलियन। तो ये था रॉबर्ट डॉनी जूनियर का ओवरऑल पूरा कलेक्शन। अगर यहाँ पर अगर सैलरी को काउंट करा जाए सारी मूवीज को मिलाकर तो करीब 140 मिलियन इनका अर्निंग होता है ऑफिशियली जो है, और देन अगर बोनस को काउंट करा जाए तो 214.75 मिलियन हो जाता है, जो कि बहुत बड़े अमाउंट है, और अगर ओवरऑल नेटवर्थ इनकी काउंट करी जाए तो करीब 354.75 मिलियन। अब आप कहोगे 354 कैसे हो गए, तो आपको मैं एक नोट चीज करवा देता हूँ कि 5 मिलियन फॉर विंटर सोल्जर के लिए इन्हें मिले थे। जी हाँ, उन्होंने विंटर सोल्जर में बीट करी थी, या फिर कोई अपना प्रोड्यूसर टाइप का कोई काम करा था, तो उन्हें 5 मिलियन उस मूवी के लिए मिले थे। तो गाइस, ये थी रॉबर्ट डॉनी जूनियर की फुल अर्निंग।
और देन आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ इसी वीडियो के साथ कि अभी आंकड़े ये बता रहे हैं कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर की इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की इनकम मिला के ही 200 मिलियन बनते हैं, पर ये कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट या रिवील नहीं करा गया है। पर पता ये चलता है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में करीब 200 मिलियन कमाए हैं। अब आंकड़े आगे फ्यूचर में क्या आएंगे उनका पता नहीं, पर हाल फिलहाल की टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से जो आंकड़े थे वो मैंने आपको आज बता दिए। और देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके पास 354.75 मिलियन मिल जाते हैं तो आप इतने पैसे का क्या करोगे या आप इन फ्यूचर इतना कमाने लग जाते हो, क्योंकि मेरे तो सोच के भारी है मैं क्या करूँगा। पर रॉबर्ट डॉनी इज ग्रेट एक्टर और वास्तव में इन आंकड़ों को देख के लगता है कि हाँ ये रियली में हॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो सबसे पहला अपडेट है ब्लैक पैंथर 2 से रिलेटेड। तो आप सभी जानते हो कि ब्लैक पैंथर 2 में जो ब्लैक पैंथर के फादर का रोल प्ले करते थे जॉन कैनी, वो सिविल वॉर में मारे गए थे, पर अपडेट ये आए हैं कि वो ब्लैक पैंथर 2 में रिटर्न हो रहे हैं। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, ब्लैक पैंथर 2 भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की मूवी होने वाली मार्वल फेज 4 की। और अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का फैंटम से। तो फैंटम एक न्यूज़ की रिपोर्टर कंपनी है बहुत बड़ी, जो कि मार्वल से रिलेटिव हॉलीवुड से रिलेटिव अपडेट देती है काफ़ी अच्छे अच्छे। उसने क्या करा कि सैंडिएगो कॉमिक कॉन में जो पूरा प्लान था कौन कौन सी मूवी रिलीज होंगी, उनके शेड्यूल टाइमिंग वगैरह एवरीथिंग, जो बिल्कुल सच ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी वो अपलोड कर दी उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर। और देन जैसे ही मार्वल स्टूडियो को पता चला उन्होंने उनका पेज परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो इंडियंस ऑडियंस है जो कि मार्वल से बहुत प्यार करती है, जो कि सोच रहे हैं तो वो कुछ ऐसा रिवील ना कर दें जिससे कि उनका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो जाए या वीडियो डिलीट हो जाए या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दें। तो ऐसा कुछ मत करना जैसा कि फैंटम के साथ हुआ, उन्होंने पूरा शेड्यूल अपलोड करा उनका पेज ही डिलीट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और बात करते हैं अब अगले अपडेट के बारे में, रॉबर्ट डॉनी जूनियर की अपकमिंग मूवी शेरलॉक होम्स 3। तो इसमें डायरेक्टर काम कर रहे हैं रॉकेट मैन के। अगर आपने रॉकेट मैन मूवी देखी है जो कि हॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी है ब्लॉकबस्टर ओरिजिन पर, तो वो काम करेंगे अब शेरलॉक होम 3 में। तो गाइस कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।